First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस। वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा खड़ी मशीन रोड डैम पर आज मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उपरीक्षक संगम पाटिल अपनी टीम के साथ पहुंचे और इस दौरान डैम में जो बच्चे नहा रहे थे उन्हें और झरनों के पास कुछ लोग अपनी गाड़ियां बाईपास के किनारे पार्क करके झरनों का जो मजा ले रहे थे इन पर पुलिस ने कार्रवाई की, इन्हें वहां से भगाया गया है। हालांकि आपको बता दें बारिश का सुनहरा मौसम है, ऐसे में मुमरा बाईपास से लगकर जो झरने बह रहे हैं डैम है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। जबकि शासन प्रशासन के तरफ से डैम और झरनों और नदी तालाब के किनारे जमा होना, यहाँ पर जाना बिल्कुल मना किया गया है क्योंकि डेल्टा वायरस का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को भी समझने की जरूरत है और वो ऐसी जगह पर न जाए। मुमरा खड़ी मशीन डैम जब से बना है तब से अब तक कई नौजवानों की इस डैम में डूबने की वजह से मौत हो गई है। ठाणे शहर की अगर हम बात करें तो ठाणे शहर में ही 20 जून से अब तक करीब 10 लोगों की इसी तरह से खाड़ी तालाब में नहाने के वक्त डूबने से मौत हो गई है। मगर इसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है और ये लोग ऐसे खतरनाक जगहों पर नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक संगम पाटिल अपनी टीम के साथ आज मुमरा खड़ी मशीन डैम पर पहुंचे और उस दौरान कुछ बच्चे डैम में नहा रहे थे उन्हें वहां से हटाया गया और कुछ लोग थे जो भिमंडी वडाला और भी अन्य जगहों से यहाँ मुमरा में आए हुए थे और झरनों का मजा ले रहे थे, मगर पुलिस ने इन्हें कार्रवाई कर यहाँ से हटाया है। कैसा रहा ये कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक संगम पाटिल ने लोगों से क्या अपील की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। आ जा पीछे। यहाँ पे जो कोरोना वायरस की जो महामारी पसरी है फैला हो रहा है डेल्टा 3 में हम 3 स्टेज में जा रहे हैं। इसको जो भी प्रशासन ने जो भी सूचना जारी की है उसको हम पब्लिक तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनको जो गाड़ी जो हमारे सायरन लगा के अनाउंसिंग करके उनको बताया जा रहा है, साइन बोर्ड बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पे वाटरफॉल है, डैम है, वहाँ पे हमारे विंग मार्शल हम खुद अधिकारी यहाँ पे एक एक घंटे में यहाँ पे राउंड अप करते हैं और उनको बताया जाता है कि कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, डेल्टा वायरस आया है और अपनी जो पब्लिक है उनको सतर्क किया जा रहा है इसके बारे में। वहाँ यहाँ पे जो जमाबंदी का उन पर उनको नोटिस दिया जाता है,
269 अगर ज़्यादा है तो जो भी है यहाँ पे दबदबे पे जो ग्रुप में आए हैं लोग उनको सब पुलिस स्टेशन ले जाके उनको 279 की कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर 186 की कार्रवाई की जाती है। वहाँ सर प्रशासन ने बोर्ड लगाना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे के हमारे मौत भी हो रही है, टैंक रहे हर जगह, सॉरी हर लोगों की एक जगह पे जान जा रही है, दबदबा है, वाटरफॉल बोलो जगह पे जान जाते हैं, प्रशासन ने कहा पे तो बोर्ड लगाना उचित समय से जरूरी था लेकिन वहाँ पे लगाया दिया गया दिखाया नहीं। नहीं अभी यहाँ से हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से मुमरा पुलिस हमेशा राउंड अप तो कर रही है लेकिन आज यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई चालू हो गई, अभी साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, एक बार लगाया था लेकिन बारिश की वजह से हवा पानी की वजह से वो नीचे गिर गया है, फिर से वो रिपेयर करके वहाँ पे बोर्ड लगाने की कार्रवाई चालू करेंगे और महानगर पालिका को भी ये सूचित कराया जाएगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है महानगर पालिका उनको ही सूचित किया जाएगा, उनको ही पत्र दिया जाएगा कि यहाँ पे आपके सुरक्षा के उपाय कीजिए।